वंदे मातरम दिल्ली लाइव आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों को संबोधित किया और दिल्ली में हो रहे जल संकट को लेकर बात की। साथ ही साथ बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखा और दिल्ली पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के और भी उनका ध्यान दिलाया और कहा कि किस तरह से गुजरात में पानी की गुणवत्ता घटती जा रही है, जहां पर पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब है और लोग वहां पर जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री महोदय को इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ हिमाचल में कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पर काला पानी आता है, जब वो लोग काला और जहरीला पानी पी रहे हैं। पत्रकारों ने सौरभ भारद्वाज से दिल्ली में पानी की जांच की बात कही तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में 95% पानी शुद्ध है और कहीं लीकेज होती भी है तो उसको तुरंत जांच करके कार्रवाई भी की जाती है। कि दिल्ली के अंदर अधिकतर जगहों से जो हमारे सैंपल उठते हैं उसमें 95% जगहों पे पानी के लेवल जो है, पानी की जो शुद्धता है वो अच्छी है। निश्चित तौर पे जहाँ पे पानी की कमी होती है, पाइप में लीकेज होती है, मोटर चलाने के कारण कई जगह उसकी कंटैमिनेशन देखी जाती है। जहाँ जहाँ से शिकायतें आती हैं कोशिश रहती है कि वो कंटैमिनेशन और लीकेज को हम लोग दूर कर सकें, मगर इतनी भयावह स्थिति जो कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, कानपुर में और हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही है, ऐसी स्थिति जो है दिल्ली में नहीं है। और अवैध निर्माण पर घिरे दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत नरेला जोन के उपायुक्त ने शुक्रवार को इलाके के अलीपुर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों में फैली कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। नरेला जोन के डीसी ने अलीपुर वार्ड स्थित डिस्पेंसरी और प्राथमिक विद्यालयों साथ ही साथ कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। 4-5 घंटे की समयावधि तक चले उनके दौरे, विभिन्न विभागों के बड़े अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि होने दिया जाता है, जो नोटिस में आता है इमीडिएटली रोकते हैं, उसके बाद भी अगर कोई नहीं मांगता है, बुकिंग होती है, बुलडोजर किया जाता है, कई बार FIR भी कराई जाती है उनके ऊपर, ऐसी कोई परमिशन नहीं है। अगर डेमोलिशन हुए, अगर कोई प्लान सेंक्शन करा के कार्रवाई का काम करता है, बिल्डिंग नक्शा पास करा के, तो बना सकता है, लेकिन इलीगल अगर बना रहा है तो वो तो ऐसे वो समय समय पर हम तोड़ते भी रहते हैं, हम रेगुलर विजिट करते हैं, अभी तो रेगुलर विजिट चल रही है वहाँ पे, हम रोज़ देख रहे हैं कि ऐसा कोई काम ना हो। अपनी कोशिश पूरी है कि हम ऐसा कोई काम ना होने दें। और बाहरी जिले के सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया है। जिले के DCP समीर शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान कुणाल और शिवम के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने ही पूर्व सहयोगी DJ चालक गुरप्रीत एलियस बारबी को पहले तो किडनैप किया, फिर उसके साथ मारपीट की। आरोपी उसकी हत्या कर पाते उससे पहले पुलिस ने पीड़ित को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। ये घटना PS सुल्तानपुरी की है, 22 तारीख की घटना है। इसमें हमने 2 DJ जो चलाते हैं उनको अरेस्ट किया है। ये पहले जो 3 थे DJ वाले, एक तो कुणाल था, एक शिवम था और एक गुरप्रीत और बॉबी था, अलियास बॉबी, ये तीनों साथ में काम करते थे। इसमें क्या होता है कि गुरप्रीत बॉबी थोड़ा अच्छा काम करने लग जाता है, जिससे कि जो उसका मालिक होता है वो गुरप्रीत बॉबी की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देता है और बाकी दोनों को निकाल रहा होता है। तो इस पर इससे मतलब गुस्सा होके जो हमारे कुणाल और शिवम हैं, जो पहले से DJ करते थे, वो लोग गुरप्रीत बॉबी से चिढ़ जाते हैं काफ़ी, और इसको किडनैप करके इसको महिपालपुर ले जाते हैं और वहाँ जाके इसकी पिटाई करते हैं। इसको ये मारने की शंका में लेके गए थे, लेकिन इसको हमने पुलिस को, हमें पता, इनके पेरेंट्स जो है बॉबी के पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं और हम इस पर 365 का मुकदमा दर्ज करते हैं किडनैपिंग का। फिर बाद में उसकी जो पिटाई उठाई उसके सब सेक्शन ऐड करके हम इसमें जो कुणाल और शिवम है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और साल 2015 में दिल्ली में फ्लैट देने का भरोसा देकर MTNL सोसाइटी के करीब 200 से ज़्यादा लोगों के साथ लगभग 15 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया। FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन आज तक रोहिणी की KN काटजू थाना पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है और इसी का लाभ उठाकर आरोपियों ने 2021 में एक और ठगी को अंजाम दिया, जिसमें करोड़ों के मामले में गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन MTNL के पूर्व कर्मचारी 2015 के मामले में आज तक पुलिस चक्कर ही लगा रही है इस उम्मीद में कि उनके साथ न्याय होगा।
इस मामले में रोहिणी जिला डीसीपी ने पुलिस की इस नाकाबिलियत पर बात करने से मना कर दिया है। मैंने 2008 में मेंबरशिप ली थी, मेरी दो तीन फ्रेंड्स थी, उन्होंने हमको मेंबरशिप दिलाई कि मकान मिल जाएगा। कई तरह के इन्होंने फ्लैट बुक किए, MIG HIG और LIG वगैरह। मैंने LIG के लिए थी और हमने इनको पैसा भी दिया है 2007 में भी, मैंने तो दो किस्तों में पैसा दिया, लेकिन एक किस्त में मैंने इनको चेक दिया, एक में मैंने इनको कैश दिया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। सब पैसा इन्होंने गड़बड़बाजी कर दी, हमारा तो एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपने बच्चों का पेट काट के हमने इनको पैसा दिया, लेकिन आज के टाइम में कुछ भी नहीं है और उल्टा सब ये लोग फ्रॉडबाजी करके ये सब करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 240 मेम्बर्स हैं हम लोग MTNL के, कुछ इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है, तो उसका हमें हर्जाना, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमारा पैसा दो, बेच के कुछ भी दो, हमारा विद ब्याज दो, हम मतलब हमें पैसा भी मिलना चाहिए हमारा, और जो एज वेल एज जो कार्रवाई होनी चाहिए इनके अगेंस्ट वो भी होनी चाहिए। ये फ्रॉड है जी पूरा मामला, ना ही हमारे पैसे वापस मिल पा रहे हैं, ना ही हमारे को फ्लैट मिल पा रहे हैं, ना ही ये जो उन्होंने ज़मीन खरीदी है वो भी खेती की ज़मीन है, ना वहाँ कभी फ्लैट बन सकते हैं। इन्होंने हम सबके साथ धोखा किया है, बिल्डर को 4 करोड़ रुपये दे दिया, जबकि अभी तक कुछ है नहीं, अप्रूवल नहीं है कुछ नहीं, बिल्डर को क्यों 4 करोड़ रुपए दे दिया? 80 लाख रुपए इन्होंने कहा जी हमने वहाँ से झुग्गी झोपड़ी हटा दी, वहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी थी ही नहीं। तो भाई साहब ये हमारा करोड़ों रुपए का घोटाला है, और मेरे कल 225 मेंबर हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं, इतनी एजिड हो गए हैं, पता नहीं कब किस टाइम आ जाए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। और दिल्ली में जगह जगह चल रहे बुलडोजर ने आज पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा की झुग्गी बस्ती पर तोड़फोड़ की। दिल्ली में जगह जगह अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चल रहा है, और जहां जहां अवैध निर्माण है वहां DDA हो या फिर MCD, सभी जगह अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा झुग्गी बस्ती के लोगों ने वहां विरोध करना शुरू किया, तो DDA ने लोगों को उनका सामान भी नहीं निकालने दिया और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। DDA की कार्रवाई को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता वहां पहुंचने लगे और बुलडोजर चलने की कार्रवाई को रोक दिया। वहीं अभी अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद रमेश पंडित ने कहा कि सेंट्रल में बैठी सरकार ने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब सरकार अपने ही वादों से मुकर रही है, और जहां झुग्गी बस्तियां हैं वहां पर लगातार बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता रमेश पंडित ने कहा कि हम अब केंद्र की मनमानी नहीं चलने देंगे और इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकेंगे। आम आदमी पार्टी जिस दिन से सत्ता में आई है उसी दिन से जो लोग गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई रोजगार नहीं है, जिनका कोई धंधा नहीं है, और जो 20-25 सालों से दिल्ली के अंदर बसे हुए हैं, उनके लिए काम करती आई है और कर रही है और करती रहेगी। और आज जब दिल्ली में नगर निगम में जो BJP शासित है या सेंटर में जो BJP शासित है उसके द्वारा यहाँ पर बुलडोजर रूपी जो दानव लाकर यहाँ पर इस JJ कैंप के अंदर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उस समय आप पार्टी के नेता हमारे भाई दीपक सिंगला जी के नेतृत्व में हम यहाँ सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब तक हमारी जान में जान है हम इन गरीबों का घर उजड़ने नहीं देंगे, इनकी कोई भी चीज हम टूटने नहीं देंगे। और राजधानी दिल्ली में जाम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। दिल्ली के कई जगहों पर लगने वाले जाम की वजह से लोगों का समय भी बर्बाद होता है और उन्हें परेशानी भी होती है। ऐसे में एक जाम की समस्या दिल्ली की आजादपुर इलाके में भी इन दिनों बनी हुई है, और जहाँ लोग घंटों जाम में फंस कर सफर कर रहे हैं। आजादपुर सब्जी मंडी से लेकर आदर्श नगर रेड लाइट तक भीषण जाम की समस्या हर रोज बनी हुई है। खासतौर पर सुबह और शाम के वक्त लगने वाला जाम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। मुख्य रोड पर ही कई जगहों पर PWD का निर्माण कार्य भी चल रहा है, और इससे अलग अलग जगहों पर ही सड़क के कुछ हिस्सों को ब्लॉक किया हुआ है, जो इन दिनों जाम की मुख्य वजह बन चुका है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने की वजह से आजादपुर इलाके में वाहनों की आवाजाही भी अन्य जगहों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहती है, और इसकी वजह से यहाँ रोड ब्लॉक होने के कारण कुछ मिनटों में लंबा जाम लगता है और लोग परेशान होते हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद भी संबंधित विभाग की तरफ से निर्माण कार्य को जल्द खत्म कराने की कोशिश नहीं की जा रही है। जाम का मेन कारण अब ये हो गया, जो यहाँ पे चौराया था, जो कट था, ये मेन कट था आदर्श नगर वालों को जाने के लिए, आजादपुर की तरफ जाने के लिए, सब ये बंद हो गया। अब यहाँ से सब गाड़ियाँ या तो इस तरह को जाएंगी, या ये जो यहाँ पे ये लगा दी गई ईंटों के, इससे बस गुजर नहीं पाती हैं, गाड़ियाँ गुजर नहीं पाती, इससे हैवी जाम लग रहा है। सीधे से बहुत ज़्यादा
और दिल्ली में एक दंपत्ति अपने 15 महीने के बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर इतने परेशान हैं कि उसके इलाज के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री तक के घर के चक्कर लगा रहा है। दरअसल इस बच्चे के फेफड़ों में इन्फेक्शन है और उसकी सांसें चलती रहें इसी के लिए एक स्पेशल वेंटिलेटर की ज़रूरत है जो सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में ही उपलब्ध है और इसका खर्चा रोज़ाना 40 से 80 हज़ार रुपये है। लेकिन ये दंपत्ति इतना खर्च नहीं उठा सकता है और इसी के चलते वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से इस वेंटिलेटर को उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। बेटा 1.5 साल का बीमार हुआ, मैं यशोदा हॉस्पिटल लेकर गया, उन्होंने 2 दिन रखा, बच्चे का टेस्ट किया, क्या लगे एल्बर्ट स्टेन है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे इलाज नहीं है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में LNJP हॉस्पिटल में बच्चे को ले आया, LNJP हॉस्पिटल ने 12 तारीख की रात को बच्चे को भर्ती कर लिया और रात रात में उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया, सुबह मरा घोषित कर दिया। मेरा बच्चा सांस ले रहा, सब कुछ सही है, सुबह उन्होंने कह दिया कि बच्चे की डेथ होगी, वेंटिलेटर पे ले गए और कह लगे वेंटिलेटर पे ज़बरदस्ती लेके, वेंटिलेटर के लायक बच्चा नहीं, कि वेंटिलेटर पे ले जाने के बाद ये वेंटिलेटर पे सांस ले रहा है जब, और इसे घर ले जाओ, वेंटिलेटर से हटते ही ये ख़त्म है, बच्चा मर्द घोषित करके कह लगे इसे घर ले जाओ। और दिल्ली लाइव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट के। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है इसकी एक बानगी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में देखने को मिली है, जहां 4 से 5 की संख्या में कुछ बदमाश खुलेआम दबंगई दिखाते हुए इलाके में ही पथराव की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि देर शाम अचानक 4 से 5 की संख्या में जहांगीरपुरी ब्लॉक में बदमाश पहुंचे और एक घर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सभी बदमाशों ने घर के बाहर से ही जमकर पत्थर बरसाए और उसके बाद हथियार हवा में लहराते हुए मौके से फरार भी हो गए। ये तस्वीर सामने आई है, वो आप देख भी रहे हैं किस तरीके से पत्थर बरसाते हुए कुछ बदमाश नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही घर में रहने वाले व्यक्ति का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था किसी आपसी रंजिश और इलाके में अपना वर्चस्व जमाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन दिल्ली और खास तौर पर जहांगीरपुरी इलाके में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वजीरपुर डिपो के पास सड़क हादसा हुआ है और हादसे में फ्लाईओवर पर बाइक मोड़ते समय बाइक सवार दीवार से टकराकर फ्लाईओवर के नीचे गिर गया, जिसके बाद बाइक सवार घायल हो गया। डिपो पर मौजूद कर्मचारी ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक फ्लाईओवर की दीवार की ऊंचाई कम होने से यह हादसा हुआ है और आपको ये भी बताएं कि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 6 बजे करीब गिरा बंदा वो जी, और यहाँ पे जो है पहले भी हादसे हो चुके हैं, यहाँ से गाय भी गिर चुकी है जी, एक दिन 3 लड़की गिरी थी यहाँ पे जी, बहुत से हादसे हो चुके हैं। इसमें बाइक वाला गिरा, हम वहाँ से आए, हमने देखा बाइक वो यहाँ पर गिरा हुआ था, गंभीर हालत में था जी, उनके सिर में चोट आई हुई थी, उनका बैग के साथ ही गिरा हुआ था। अच्छा, और यहाँ पर पहले कई हादसे हो गए, फिर उसको ऑटो में भेजे, ऑटो यहाँ से मार्शल भेज दिया अम्बेडकर, और वही शाहदरा के गीता कॉलोनी इलाके की मुख्य सड़क 3 महीने से टूटी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क टूटी होने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं, इसके साथ ही इलाके में इससे धूल भी एक समस्या है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि सीवर लाइन डालने के लिए सड़क तो खोदी गई थी और ये कहा गया था कि सीवर लाइन डालने के बाद सड़क को बना दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने पहले खुदाई कर सीवर लाइन डाली गई, 2 महीने पहले सीवर लाइन का कार्य पूरा हो गया, लेकिन बावजूद इसके सड़क का निर्माण नहीं किया गया, सिर्फ गड्ढे में मलबा डाल दिया गया, जिसकी वजह से पूरी सड़क ऊबड़ खाबड़ हो गई है। आसपास के दुकानदारों का ये भी कहना है कि सड़क से उड़ने वाली धूल से लोग परेशान हैं, उनके दुकानों के सामानों को धूल खराब कर रही है। ये भी लोग कह रहे हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को कई बार शिकायत करने के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। 3 महीना होने आया है इसको, सड़क को
और काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, और धूल मिट्टी काफ़ी हो रही है, सारा सामान नुकसान हो रहा है, कस्टमर रुकने को तैयार नहीं है यहाँ पे, और गले में खराश भी हो रही है काफ़ी, तो बहुत नुकसान हो रहा है इस टाइम। तो कितना टाइम हो गया लगभग इसको और किस चीज़ का काम हुआ था? ये कोई लाइन डाली है उन्होंने खुदाई करके सीवर की, 3 महीना हो गया करीब इसको। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत वगैरह करी कहीं? सर 3-4 बार कॉल की है बक्का साहब के लिए, वो कहते हैं कराते हैं, यही जवाब मिल रहा है, अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस रोड का। और साउथ दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने छीना झपटी की वारदात का खुलासा किया है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान छीना झपटी के आरोप में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के 4 मोबाइल, 1,50,000 रुपये और सोने के आभूषण, बाइक बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। स्पेशल स्टाफ जो साउथ डिस्ट्रिक्ट का है, उसने काफ़ी अच्छा काम करके एक गैंग ऑफ बगलर्स को पकड़ा है। ये काम कई सारे इंसिडेंट्स के सीसीटीवी फुटेज को देखकर, एक पैटर्न समझकर, और फिर जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको लगाकर ये काम किया गया। ये देखा गया कि एक खास तरह के बाइक पर आकर बर्गलरी कर रहे थे, और उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन डेवलप करके 3 लोग को पकड़ा गया है। जो 3 लोग पकड़े गए हैं, तीनों संगम विहार के रहने वाले व्यक्ति हैं, और उसमें से जो मेन अक्यूज वाजिद अली है, उस पर पहले भी 10 मुकदमे हैं। बाकी जो दोनों हैं, हैदर अली और तरुण सिंह, इस पर अभी कोई पास्ट इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया। और वही नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक ऐसे नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है जो मैट्रिमोनियल साइट पर फेक प्रोफाइल बनाकर इंडियन लड़कियों से शादी करने का झांसा देकर ठगी किया करता था। आरोपी के लैपटॉप और फोन से 366 इंडियन लड़कियों के फोन नंबर और उसके साथ चैटिंग करने के सबूत मिले हैं। पकड़ा गया आरोपी करोड़ों की ठगी कर चुका है, और अब पुलिस इसके पूरे नेटवर्क के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। ये आरोपी दिल्ली के बसंत कुंज में रहता है। आरोपी मेडिकल वीजा पर इंडिया आया और यहाँ इंडियन लड़कियों का दुल्हा बनकर ठगी के कारोबार में जुट गया। आरोपी खुद को NRI, FBI ऑफिसर, डॉक्टर और अलग अलग प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को झांसे में लिया करता था। आरोपी के पास से बैंक ऑफ थाईलैंड, इंटरपोल, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, भारत का टूरिस्ट वीज़ा, नेशनल बैंक ऑफ दुबई के दस्तावेज मिले हैं। साथ ही साथ एक लैपटॉप, 7 मोबाइल, 2 वाईफाई और 1 पासपोर्ट भी बरामद हुआ है। जब उनको लगा कि वो ब्लैकमेल हो रही, तो उन्होंने FIR दर्ज कराई, और उसके बाद हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो गरुबा नाम का व्यक्ति, जो लागोस नाइजीरिया का है, जिसको हमने दिल्ली से अरेस्ट किया है, और जब उससे पूछताछ की गई, उसके हमने मोबाइल का फॉरेंसिक किया, तो उसमें कसम 366 करीब महिलाएँ हैं जिन्होंने चैटिंग, जिनको ये बातचीत कर रहा है रेगुलर कंटिन्यू पर है। कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जिनसे बात भी मेरी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमसे मतलब कोई प्रोफाइल बना करके संजय नाम का, और प्रोफाइल की पिक जो है बहुत स्मार्ट होती है, ये खुद की पिक नहीं होती है इसकी, किसी और का पिक उठा करके लगाते हैं, जैसे आदमी बंदा स्मार्ट दिखता है, और उसके बाद फिर वो चैटिंग करना शुरू करते हैं। और वे दिल्ली के सीमावर्ती ग्रामीण इलाके नरेला में बीती रात कच्छा बनियान गिरोह ने कई घरों को निशाना बनाया, और इसमें से एक घर से गिरोह लाखों रुपए कीमत के गहने और अन्य कीमती सामान के अलावा नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी भय का माहौल है और मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक देर रात भारी संख्या में आए इन बदमाशों ने नरेला के बाहरी इलाके स्थित गौतम कॉलोनी में धावा बोल दिया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नरेला के गौतम कॉलोनी की तस्वीर है, जहाँ कच्छा बनियान गैंग सक्रिय है। गिरोह के कुछ सदस्य पहले तो सीसीटीवी कैमरे को ऊपर कर देते हैं, फिर गैंग के कुछ सदस्य सीसीटीवी कैमरे को ऊपर करते हुए आरोपी दूसरे सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, जबकि दूसरा आरोपी इशारे से कुछ कहता हुआ नजर आया, जबकि एक आरोपी के हाथ पर टैटू भी बना हुआ है। ये मामला हुआ था 26 की रात को, मतलब सुबह का लगा लो और 25 की रात को। तो इसमें ये था कि बाहर से हमारे मेन गेट में से 12 बंदे चल के आ रहे थे कैमरे में, जैसे कि बाद में पता चला, और उन्होंने फिर देखा है पहले अच्छी तरीके से, फिर अंदर की तरफ चढ़ गए वो दीवार से, बाउंड्री से, और फिर उसके बाद उन्होंने देखा पूरा पहले कि कौन किस कमरे में है, क्या है,
कौन से कमरे से अंदर आ सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि हम सो रहे थे, ये मामला है 1:45 का। राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में कच्चा बनियान गैंग सक्रिय है और बीती रात एक परिवार को इस गैंग ने अपना निशाना बनाया है, जिसके बाद आरोपियों ने घर की खिड़की तोड़कर उसके अंदर दाखिल हो गए और वहीं से करीब लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। इस पूरे मामले की जानकारी नरेला थाना पुलिस को दी गई। वहीं नरेला थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इन आरोपियों के निशाने पर अक्सर वो घर होते हैं जिनके आसपास सुनसान इलाका होता है। बीती रात इन आरोपियों ने नरेला की कॉलोनी गौतम कॉलोनी के एक मकान में सेंध लगाई है, जिसमें से करीब लाखों रुपये का सामान व जेवर लेकर आरोपी फरार हो गए। फिलहाल नरेला थाना पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दिल्ली से नेटवर्क 10 के लिए नीतिशैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। और वही हरिनगर SHO सत्येंद्र कुमार की अगुवाई में अपराध पर लगाम लगाने की मुहिम जारी है और इस बानगी में सिग्नेचर होटल हरिनगर स्वर्ग आश्रम रोड पर बाइक पर दो संदिग्ध लोगों को देखा गया। शक होने पर उन्हें रुकने का इशारा किया गया लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस की मुस्तैदी से एक बदमाश को बाइक से थोड़ा पीछा करने के बाद पकड़ लिया गया और ड्राइवर भागने में सफल रहा। पूछताछ में हौसखास इलाके से बाइक चोरी की शिकायत मिली। गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर 3 और चोरी के वाहन बरामद कर लिए गए। और वही दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान के जोरदार स्वागत का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहरुख पठान के समर्थकों की भीड़ उसके समर्थन में नारे लगाती दिख रही है। पुलिस सुरक्षा में चल रहा शाहरुख भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली के जाफराबाद में एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान का 23 मई को 4 घंटे की कस्टडी पैरोल के दौरान अपने घर पर पहुंचने पर इलाके में हीरो की तरह जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गली और अपने घरों की छतों पर खड़े सैकड़ों की तादाद में जुटे इलाके के लोगों ने शाहरुख पठान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस वायरल वीडियो की पुष्टि की है। शाहरुख को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए पैरोल मिली थी। और वहीं दिल्ली के मुंडका में निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इमारत का लेंटर गिरने से 3 लोग घायल हो गए। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। इमारत का लेंटर गिरने की सूचना मिलने पर मौके पर आपदा प्रबंधन, पुलिस और दमकल कर्मी पहुंच गए थे। राहत और बचाव कार्य जारी है। यह हादसा करीब 5:30 बजे हुआ है। राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में ये एक दूसरा बड़ा हादसा बताया जा रहा है और इससे पहले हुए अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हुई। इस पूरे हादसे में एक निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। और इन्हीं खबरों के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।